हेलो एंड वेलकम टू आर के एजुकेशन। मैं विकास कौशिक, आपका स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर, आपका स्वागत करता हूँ आर के एजुकेशन में। आज हमारा स्टेनो राइटिंग का डे 6 है। हमने लास्ट क्लास में अपने 3 चैप्टर से 2 चैप्टर्स की रिवीजन कर ली थी। आज हमारा 3rd चैप्टर है जिसका नाम है इंटरव्यूइंग वोवल एंड इट्स पोजिशन। जैसे कि हमने एक क्लास में सीखा था कि अगर कोई भी फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेस के वोवल आते हैं तो हमेशा वोवल फर्स्ट प्लेस के स्ट्रोक के बाद ही लगाएंगे। जैसे कि अगर हम लिखते हैं टोक टोक, तो ये बना हमारा टी और ये के और ये बना हमारा फर्स्ट स्ट्रोक के पास में। जैसे हम लिखते हैं गेट गेट, हमारा जी बनाया और ये टी, तो हम सेंटर में लगाएंगे क्योंकि ये सेकंड प्लेस वोवल है। नेक्स्ट रूल हमारा था कि अगर कोई भी थर्ड प्लेस वोवल आता है तो वो हमेशा सेकंड प्लेस के स्ट्रोक के एंड में लगेगा। जैसे कि हमने पढ़ा था रीड, तो R और ये D यानी कि हमारी पोजीशन आएगी यहाँ पे, ये हमारा रीड हो गया। नेक्स्ट अगर हम सीखते हैं पूल, पूल बनाते हैं तो पूल में हम P बनाएंगे, L बनाएंगे और ये हमारा यहाँ पे स्ट्रोक आ जाएगा। तो ये हमारा था सेकंड, ये थर्ड चैप्टर हमारा था और ये इसके 2 पोजीशन हमने सीख लिए थे। तो अभी नेक्स्ट, अगर हम कंपाउंड वर्ड्स में अगर वोवल साइन आता है तो हमेशा सेपरेट वर्ड के बाद ही लगेगा। यानी कि अगर कंपाउंड कॉन्सोनेंट में अगर कोई भी वोवल साइन आता है तो वो सेपरेट वर्ड के बाद ही लगेगा। एग्जांपल, जैसे हम लिखते हैं ईयर और एक, यानी कि 2 वर्ड्स हैं, एक वर्ड हमारा ईयर और एक एक, यानी कि ईयर एक मीन्स कान का दर्द। यानी कि अगर हम ईयर एक बनाएंगे तो आर थ्रू द लाइन क्योंकि थर्ड प्लेस पोजीशन है, और एक के लिए हम के बनाएंगे। यानी कि ईयर के लिए ई का साइन यहाँ पे आएगा, थर्ड प्लेस है, एक वोवल यहाँ आएगा क्योंकि ये ई का साउंड देगा। यानी कि हमारा ईयर एक हो गया, ये फर्स्ट प्लेस, ये थर्ड प्लेस और ये हमारा फर्स्ट प्लेस। नेक्स्ट हम आज कुछ एक नई चीज़ भी सीखने वाले हैं इसमें, जिसको हम बोलते हैं ग्रामालोग्स। ग्रामालोग्स, ग्रामालोग्स एक ऐसा वर्ड होता है जो सिंगल स्ट्रोक में, छोटे से सिंगल स्ट्रोक में पूरे वर्ड को बना देता है। यानी कि जैसे हम इंग्लिश में ए और एन सीखते हैं तो इसके लिए हम स्ट्रोक बनाते हैं, हम एक हैवी डॉट लगाते हैं अबव द लाइन। नेक्स्ट है अगर हम द बनाते हैं तो यही हैवी डॉट हमारी लाइन के ऊपर आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम सीखे, जैसे इंग्लिश में एक वर्ड होता है बट, कंजंक्शन भी बोलते हैं इसको हम, तो ये अगर बट बनाएंगे हम तो ये ऑन द लाइन हाफ टी बनेगा। अगर हम ऑफ बनाते हैं, ऑफ ऑफ बनाएंगे तो हमारा हाफ पी बनेगा ऑफ अब हो द लाइन हमेशा के लिए। नेक्स्ट अगर हम कोई भी वर्ड बनाते हैं, जैसे कि हमें शुड बनाना है, एक वर्ड होता है ना शुड, शैल की पास्ट फॉर्म शुड होती है, तो हम कैसे बनाएंगे? अगर हम अपवर्ड बनाएंगे, हाफ आर नीचे से ऊपर की तरफ हाफ आर बनाएंगे हम। अगर हमें बनाना है कि ओन बनाना है, ओन ओन भी एक वर्ड होता है, तो ओन हम बनाएंगे हाफ टी अबव द लाइन। अगर हमें बनाना है ओ, ओल ओल बनाना है हमें, ओल कोई वर्ड बोलता है ओल, ओल द बेस्ट या ओल, तो हमारा ओल बनेगा हाफ बी, हाफ बी बनेगा हमारा ओल। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम बाकी का नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ये हमारे चैप्टर्स हो गए हैं, 3 चैप्टर्स के हमने रिवीजन भी कर लिए हैं, 3 चैप्टर्स हमने पूरे कंप्लीट भी कर लिए हैं। आज मैंने आपको इतनी ही चीज़ ग्रामर लॉक्स भी सिखा दी है, एक बार हम छोटी सी इसकी रिवीजन कर लेते हैं। आज हमारा डे 6 था स्टैंडर्ड राइटिंग का।
हमने इंटरव्यूइंग वोवल में सीखा था, अगर फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस का वोवल अगर एक साथ आता है तो वो हमेशा फर्स्ट स्ट्रोक के बाद ही लगेगा। जैसे कि हमने टोक बनाया तो टी और के और वोवल लगा टी के बाद, ऐसे ही हमने गेट बनाया तो जी और टी और गेट बना जी के मिडल में हमारा वोवल लगा। अगर थर्ड प्लेस वोवल है तो वो हमेशा स्ट्रोक के सेकंड स्ट्रोक के एंड में लगेगा, जैसे रीड आर और डी बनाया और उससे पहले लगा, सेकंड स्ट्रोक से पहले बनेगा ये हमेशा। जैसे पूल बनाया, पूल पी एल और ओ बनाया, एल से पहले ओ की साउंड आ गई। अगर कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स में, अगर वोवल आता है तो वो हमेशा दो वर्ड्स के साथ में आएंगे वोवल्स, तो हम दोनों वर्ड्स के लिए अलग अलग वोवल्स लगाएंगे। जैसे ईयर एक है तो ईयर के लिए हम आर बनाएंगे और ई का वोवल लगाएंगे, और एक के लिए के बनाएंगे और ई का हम वोवल लगाएंगे। नेक्स्ट हमने सीखा कि ग्रामलोक्स क्या होता है। ग्रामलोक्स एक शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है किसी भी वर्ड को सिंगल स्ट्रोक में बनाने के लिए। जैसे हम ए और एन बनाते हैं तो ये हम डॉट लगाते हैं अबव द लाइन। अगर हम कभी भी दा बनाते हैं तो ऑन द लाइन हम डॉट बनाते हैं। ऑल बनाते हैं तो अबव द लाइन हाफ पी बनाएंगे। बट बनाते हैं तो ऑन द लाइन हम हाफ टी बनाएंगे। ऑफ बनाते हैं तो हम हाफ पी बनाएंगे अबव द लाइन। अगर हम शुड बनाते हैं तो हम हाफ आर बनाएंगे ऑन द लाइन। अगर हम ऑन बनाते हैं तो हाफ टी बनाएंगे अबव द लाइन। आई होप आपको सब समझ अच्छे से समझ में आएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।